हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी की सीजन 2 के लीक्ड ट्रेलर के बारे में। अब देखो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि मार्वल कुछ बनाए और बंदे उसको लीक ना करे। अब आप ये बात जानते हैं ऑलरेडी कि मार्वल ने थोड़े दिनों पहले D23 किया था और वहां पर बहुत सारे शोज के ट्रेलर भी दिखाए गए थे। हालांकि हमें नहीं दिखाया गया, मतलब सिर्फ वहां पे जितने बंदे थे उन्हीं को दिखाया गया। अब ले लो मजा मार्वल, क्योंकि ऑब्वियसली वहां के किसी बंदे ने लोकी सीजन 2 का ट्रेलर देखने के बाद में उसको रिकॉर्ड भी कर लिया और फाइनली लीक करते हैं इंटरनेट पे। अब कॉपीराइट के चलते मैं उस ट्रेलर को इस वीडियो के अंदर तो नहीं दिखा सकता, बट हाँ उसकी इमेज जरूर दिखा सकता हूँ। और हाँ, हम बात करेंगे कि लोकी की सीजन 2 के लीक ट्रेलर में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे डिटेल्स हैं, मजा आएगा सीजन 2 के ट्रेलर के बारे में बात करने में। सो हे गाइस, मैं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले इमेज की बात करें तो हमें देखने को मिलता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो, और जैसे एक तरह से लिफ्ट खुलती है ना, तो लिफ्ट खुलने के साथ ही मार्वल स्टूडियोज का जो लोगो है उसको रिवील किया जाता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस लीक ट्रेलर को आप गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके देखो, आपको इसका म्यूजिक बहुत ही मस्त लगेगा। घड़ी की जो टिक टुक होती है ना, साथ में लोकी की सीजन की थीम को मिलाकर इन बंदों ने सीजन 2 की थीम बनाई, और मुझे इतनी ज्यादा अच्छा लगा ये म्यूजिक, मतलब मैं क्या बताऊं। उसके तो हम देखते हैं कि टीवी की बुक को कोई बंदा पढ़ रहा है और यहाँ पर लोकी आके बोलता है हेलो, और जैसे ही वो हेलो बोलता है वो ग्लिच हो जाता है। इस ट्रेलर को देखेंगे ना आप, तब आपको पता चलेगा कि मोस्टली शुरुआत के अंदर ना आपको लोकी जो है वो ग्लिच होता हुआ देखने को मिल सकता है। याद है पुराने टाइम में जब लोकी को पकड़ा गया था, मतलब सीजन 1 में जब लोकी को पकड़ा गया था, जब टाइम पैड का इस्तेमाल करके उसको वापस उसी की जगह पर भेज दिया जाता था, सेम इसी तरह की थोड़ी सी ग्लिच हो रही है यहाँ पे, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो कि मुझे बहुत मस्त लगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई बुक पढ़ रहा है और लोकी उसको अप्रोच करता है, लोकी बोलता है हेलो और वो ग्लिच बैक हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हमें लोकी दिखाया जाता है रेगिस्तान में, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि मेरे को टाइम में आगे पीछे खींचा जा चुका है और एक बहुत ही बड़ी वॉर आने वाली है, मैं तुम्हें यहाँ पे वॉर्न करने आया हूँ। इस तरह के डायलॉग बाजी जो है वो लोकी कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-3 ग्लिच की मैंने स्क्रीनशॉट निकाले हैं ताकि आप देख पाए कि ग्लिच कितनी खतरनाक हो रही है। उसके बाद ये पैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शायद मोबियस खड़ा है और हंटर B15 खड़ी है और यहाँ पर लोकी है। पीछे बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको टाइम कीपर्स की म्यूरियल दिख जाएगा और नीचे टाइम कीपर का किसी का सर कटा हुआ है, यहाँ पे गिरा हुआ है। यहाँ पे जो लोकी है ना वो प्रून करके दिखा रहा है कि इसके पीछे है कैंग द कॉन्करर का असली फेस। अब शायद ऐसा हो सकता है कि जिस टाइमलाइन में अब लोकी गया है ना, आपको पता है कि सीजन 1 के एंड में ये किसी और टाइमलाइन में चला गया था। Take it easy. You're an analyst, right? What division are you from? What are you talking about? Who are you? What's your name? तो वहां पर जाने के बाद जो वहां के टीवी के एम्प्लॉय हैं, जैसे कि मोबियस हो गया, हंटर B15 हो गई या फिर कोई और भी हो गया, तो वहां का ये जो एम्प्लॉय है ना उनको ये बताना चाहता हो कि भाई एक्चुअली में तुम्हारा जो मालिक है ना वो कैंग द कॉन्करर है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, मैं उससे डील करके आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस के अंदर वो रिवील कर रहे हैं कि इन सब के पीछे कैंग द कॉन्करर है। और हाँ, कैंग द कॉन्करर के जो म्यूरल बने हुए हैं ना बहुत ही मस्त लग रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं लोकी और मोबियस को ना किसी जगह पर, और मैं ये ज़ूम कर रहा हूँ कि ये जगह होने वाली है जहां पर बहुत सारे MCU के आर्टिफैक्ट रखे जाते हैं। आपको बात ऑलरेडी पता है कि MCU के अंदर हमने इन्फिनिटी स्टोन्स ऐसे ही पड़े हुए देख लिए हैं लोकी के सीजन 1 के अंदर। Some of the guys use them as paperweights. तो हो सकता है ये एक ऐसी जगह हो जहाँ पर बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इस तरह का आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकी खड़ा है, बगल में मोबियस खड़ा है, और अगर बात करें यहाँ के एम्प्लॉय की ना, तो उसको प्ले कर रहे हैं कि हुआ कौन, जो कि ऑब्वियसली एवरीथिंग ऑल एट वंस में आपने देखे होंगे, और यहाँ पर वो मस्त लग रहे हैं एकदम। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो बंदा है ना ये आर्टिफैक्ट वगैरह पेश करेगा और एक तरह से बताएगा कि इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, और वो सारे के सारे जो आर्टिफैक्ट होने वाले हैं वो मार्वल के ही होने वाले हैं। हाँ, तो तैयार है ना, इस एपिसोड में जब ये बंदा देखने को मिलेगा ना बहुत सारे ईस्टर एग आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकी के कपड़े फटे हुए भी हैं और मोबियस जो है वो सीजन 1 की एंडिंग की तरह ही लग रहा है। इसका मतलब है कि सीजन 1 की एंड होते होते ये जो दोनों कैरेक्टर है वहीं से आगे चल रहे हैं, और ये जो सीन है ना ये उस सीन का कंटिन्यूएशन है, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं सिल्वी हमें देखने को मिलती है जो कि म्यूजिक सुन रही है आराम से बैठ के अपने गद्दे पे, और यहाँ पे आप जी चीज नोटिस कर सकते हैं कि उसके जो बाल है ना वो 80s के हेयर स्टाइल की तरह है। ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि लोकी के सीजन 2 में ना 1970 की टाइमलाइन और 1980 की टाइमलाइन दिखाई जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो सिल्वी है ना वो वन हु रिमेंस को मारने के बाद में 1970 के अंदर चली गई हो और वहां पर अपनी लाइफ को आराम से जी रही हो, लेकिन इसे नहीं पता कि बहुत सारी चीजें होने वाली है। उसके बाद हम देख सकते हैं एक शॉट दिखाया जाता है जहां पर हमें केसी देखने को मिलता है जिसके ड्रॉअर के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े थे, और ऐसा लग रहा है कि इस शो के अंदर ना इस सीजन के अंदर इसका थोड़ा सा बड़ा रोल होने वाला है। अब लास्ट सीजन में तो ज्यादा कुछ किया नहीं था, लेकिन इस सीजन में कुछ शायद ये कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसी जगह पे है जहाँ पे अंधेरा वगैरह हो रहा है,
तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे ये किसी मिशन के लिए आया होगा और ये छुप कर किसी से काम कर रहा है। उसके बाद हमें हंटर B-15 दिखाई जाती है जो कि शायद किसी और टाइमलाइन की है या फिर इसकी ओरिजिन स्टोरी देखने को मिल सकती है। आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से रेवोना रेंसलेड एक टीचर थी, उसकी स्टोरी हमें दिखाई गई थी, तो ऐसा हो सकता है कि B-15 की भी स्टोरी हमें दिखाई जाए। उसके बाद हमें ऑलरेडी इसका लीक्ड फोटो जो है वो देखने को मिल चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार खड़ी है और एक थिएटर के बाहर जो है मोबियस और लोकी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सीन की जो लीक्ड इमेजेस है ना वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दिखा रखी थी, एक बार और दिखा दूंगा। यहाँ पर एक चेस सीक्वेंस हो सकता है जहां पर एक जो हमारे वेरिएंट है ना वो लोकी के पीछे आ सकता है, तो हाँ मजा बताएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं हमें देखने मिलती है रेवोना रेंसलेयर। अब ये यहाँ पे क्या कर रही है कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस इमेज का, बट मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि शायद ये बैक इन टाइम गई है कैंग द कॉन्करर से मिलने और एक तरह से उसकी लव इंटरेस्ट बनके इस सीजन के अंदर वो काम करेगी। उसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं कि लोकी जो है किसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक वॉर आने वाली है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये किसी को आके बताना चाहता है कि भाई एक वॉर आने वाली है, कैंग द कॉन्करर जो है वो टाइम को अपने कब्जे में करना चाहता है, शायद यहाँ पे मोबियस है जिसको ये सब बता रहा है। उसके बाद कुछ फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। अब ये कैरेक्टर कौन है मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जो इमेज है ना काफी ज्यादा ग्रेनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये बंदा कौन है। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो लोकी और मोबियस जो है वो टीवीए के एजेंट से फाइट कर रहे हैं। उसके बाद हमें उसी थिएटर का एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख सकते हैं कि लोकी है, मोबियस है और लोकी का एक और वेरिएंट है। और यहां पर जो मोबियस है वो बोलता है कुछ ज्यादा नहीं कर दिया, तो लोकी बोलता है बिल्कुल सही था। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको लोकी के दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं और यहां पे क्या होने वाला है आई हैव नो आइडिया क्योंकि दोनों की शक्ल सेम है प्लस में कपड़े भी सेम है। तो हां ध्यान रखना कौन से लोकी को आप फॉलो कर रहे हो, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद हमें मोबियस का एक सीन देखने को मिलता है जो कि किसी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड सूट के अंदर है। अब ये सूट क्या है मुझे तो नहीं पता क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, बट मुझे लग रहा है एक ऐसी जगह जा रहा है जहां पर इसको जाना नहीं चाहिए और जहां पर जाने में इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है किसी और टाइमलाइन में जा रहा हो, किसी और जगह जा रहा हो या फिर एक ऐसे वॉइड के अंदर प्रवेश कर रहा हो जहां पे कैंग द कॉन्करर का रूल चलता है। तो वो तो जब सीजन आएगा जब ही पता चलेगा, बट यहाँ पर बहुत ही मस्त लग रहा है मोबियस। उसके बाद हम देख सकते हैं हमें लोकी की एक फाइनल इमेज दिखाई जाती है और ट्रेलर जो है वो खत्म हो जाता है। ट्रेलर के एंड में मोबियस और लोकी जो है ना वो बात कर रहे हैं, कुछ सिंगर टाइप यहाँ पे मावल ने दिखाया है। वो दोनों क्या बात कर रहे हैं ये तो हमें पता नहीं चलता, बट मोबियस पूछता है उससे कि तुमसे ये किसने कहा, इस तरह का कुछ पूछता है। तो लोकी जो है यहाँ पर सब बंदों के नाम बताया जाता है जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो, निक फ्यूरी, यू और पता नहीं कौन कौन। तो काफी ज्यादा स्ट्रिंगर बहुत ही ज्यादा अच्छा था बट क्लियर ऑडियो नहीं है जिससे मैं इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर पाऊँ। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर मोबियस ने बोला हो कि किस किस ने तुम्हें बोला है कि तुम उनकी नाक में दम कर देते हो, तो शायद लोकी ने यहाँ पर जवाब दिया हो हल्क, कैप्टन अमेरिका, क्योंकि ऑलमोस्ट इन सब की नाक में उसने दम किया था। लेकिन ऑडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो मैं इसको अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाया। और गाइज ये है लोकी की सीजन 2 का ट्रेलर, पूरा पूरा मस्त था एकदम। मतलब म्यूजिक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हुआ क्वान देखने को मिले मेरे को, केसी देखने को मिला, हंटर B-15, रेवोना रेंसलेयर और ऑब्वियसली लोकी और उसके वेरिएंट। अजीब बात यह है कि पूरे ट्रेलर के अंदर हमने कैंग द कॉन्करर को कहीं पे भी नहीं देखा, लेकिन शायद मावल जो है उसको सेव रख रहा हो क्योंकि जब शो देखोगे तब भी तो कुछ देखना है ना आपको। ऑलरेडी ये बात जानते हैं आपके स्क्वाड्रन सुप्रीम जिसमें हेनरी कैवल का हाइपीरियन हो सकता है शायद इस सीजन में होगा, और सीजन में क्या होने वाला है हमें नहीं पता और मावल जो है काफी ज्यादा सीक्रेटिव है। लेकिन हाँ अब D23 में आपने ट्रेलर निकाला, लोगों ने लीक कर दिया, भाई बहुत बढ़िया। लेकिन कोई बात नहीं, इसका फुल HD का जो वर्जन है ना मावल को अब फाइनली जल्दी से निकाल देना चाहिए ताकि सारे के सारे बंदे जो है एंजॉय कर सके। इसके अलावा अगर मुझसे कुछ छूट गया हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो पे 2000 लाइक का जो एम है वो पूरा करा दो। भाई साहब व्यू नीचे गिरते जा रहे हैं गिरते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आप लाइक करते, ना आप कमेंट करते, ना आप कुछ मेंशन करते, बट कोई बात नहीं। मैंने हर बार कहा है और हमेशा कहूंगा 10 लोग भी देखेंगे तो भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। तो 2000 लाइक का एम इस पर रख रहे हैं, 500 कमेंट का एम रख रहे हैं, 500 कमेंट करा देना, 2000 लाइक करा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।